तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। वॉट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। तो हमें यहाँ पे बताना, अगर हम यहाँ पे सोप का टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से, और लिटमस पेपर हमारे पास कौन से, रेड एंड ब्लू कलर के, तो इसको यहाँ पे करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ, रेड लिटमस से टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, किससे करेंगे हम यहाँ पे, रेड लिटमस से। और टेस्ट करने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जो सोप का नेचर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इसका जो यहाँ पे नेचर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में, किस में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ब्लू लिटमस होगा, जो हमारे यहाँ पे ब्लू लिटमस होगा, इसमें अगर हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो इफेक्ट या नो चेंज, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोप का नेचर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा और ब्लू लिटमस में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।